भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ, महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो।